करे अम्मी आ गई हूँ। मम्मी भी नहीं आई, कहाँ बीता, जल्दी आऊंगी मैं। खाने में क्या बना होगा? फिर वही सड़े हुए बैंगन। पता नहीं कुछ और क्यों नहीं बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तुमने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं चेंज किया? भाई फ्रेश हो जाती, मुंह हाथ धो लो, चलो उठ जाओ। गालबन आता जल्दी आने वाली थी। अरे हाँ बेटा, आना तो था मगर मैं भूल गई कि आज तो पेरेंट टीचर मीटिंग थी, बस उसी में देर हो गई। और पता है वापसी पर इतना ट्रैफिक जैम था कि क्या बताऊं, बहुत सख्त भूख लगी है मुझे। तुमने खाना खा लिया? कहाँ खाती खाना में? मैं तो खाना बना कर गई थी बेटा। बना कर क्या गई थी आप? अम्मी आप बैंगन बना कर गई थी, मुझे नहीं अच्छे लगते बैंगन। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, खाने की नाकदरी नहीं करते बेटा, सब कुछ खाते हैं। पर मुझे नहीं पसंद। आदला, अरे एक कप चीनी तो दीजिए। अरे आ गई मेरी बच्ची खाने से। क्या बात है, ये भूख बुला के क्यों बैठी है? अरे ये तो ऐसे ही भाभी, भूख लग रही है मुझे। हाँ तो क्या बैंगन बनाए? मुझे नहीं पसंद बैंगन। अरे आजला क्यों बैंगन पका लेती है, मेरी बच्ची से पूछ के बनाया कर खाना भाई। अरे भाभी ये तो बस ऐसे ही। ऐसे क्या, पर तू मेरे पास आ जाती सीधी, जो कहती मैं बना देती फटाफट दो मिनटों में। परला बख्शे मेरा देवर, हथेली का छाला बनाया हुआ था उसने बेटी को, पर ये बेचारी भी क्या करे, सारा दिन तो स्कूल में सर खपाती है, अब आके कहाँ फरमाइशें पूरी होती है। पर तेरी ताई तो जिंदा है, अरे जो जी चाहता है मुझे कहा कर, बल्कि अभी चल तुझे गरम गरम रोटी डाल दूं, साथ बल्कि पराठा और साथ कबाब, साथ ठंडे ठंडे खरबूजे। चला ले। अरे भाभी मगर, अरे रहने दे, ना तक जाकर बच्ची को मिला बजा चीनी ले ले, पकड़ पकड़ पकड़। अरे सुनो तो भाग, जा रहे हम। जल्दी जाइए अम्मी, बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ लेकर आई, बस मां सबके दो मिनट रुक जा, बच्ची कॉलेज से आई है भूखी बैठी है, इतना नहीं कि माँ को ढंग का साला नहीं बना ले, इतनी तनख्वाह और खाने वाले दो जी। मैं होती ना तो रोज बिरयानी और कोफ्ते बनाती। अब उनके पास इतना टाइम कहाँ है? चल माँ सबके जाए, तू फिक्र ना कर, तेरी ताई अम्मी तो है ना, मैंने इतने मजे के कोफ्ते बनाए हैं कि तू उंगलियां चाटती रह जाएगी। जल्दी ताई अम्मी, बस लेकर आई दो मिनट रुक जा, ये रोटी भी होगी तैयार। हाय 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 हाय, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, ये ले मेरा बच्चा, रज के खा, ठीक है? वाह भाई वाह, कोफ्ते। और दो रोटियां इस गरीब के लिए भी डाल दे कि मुझे सिर्फ घर की चौकीदारी के लिए रखा हुआ। सारी जिंदगी गुजर गई, तुम्हारा चटोर बनाना गया, अरे किसी के सामने ना दिखाया करो नदीदापन। परीक्षा बेटा एक बड़ा सा कोफ्ता ना अपनी ताई के मुंह में ठूस दे, ये उसी वक्त इसकी जबान बंद होती है जब कुछ खा रही हो। सारी उम्र मेरी ही बदखोइयां करते रहना बस, और कुछ ना करना। क्या हो गया आप लोगों को? साहब आप यहाँ यहाँ बैठे मेरे साथ मिलकर खा ले। अरे रहने दे, तेरे हिस्से कुछ नहीं आने वाला फिर। कोई बात नहीं, मेरे ताए अब वो। जीती रहे मेरी बच्ची। और नहीं ना, तेरी ताई ने तो मुझे भूखा ही मार देना था। बेटा तेरी बहन ने कुछ नहीं पकाया? बनाया था, सब्जी बनाई थी, मुझे नहीं पसंद है।
इसको रोटी दे दे। और दरअसल उन्होंने कहा था जल्दी आ जाएंगी, इस चक्कर में कैंटीन में कुछ नहीं जाना। अरे माँ से बहस ना किया कर, देख वो बेचारी सारा दिन स्कूल में सर खपाती है, पढ़ाना कोई आसान काम है? बैठ गई होगी कहीं सहेलियों में। ताई अम्मी, फातिमा आप और मरियम कहाँ है? भाई फातिमा तो नहा रही है और मरियम पड़ी सो रही है, आज छुट्टी थी उसकी, क्या करेगी? रिसाला पढ़ लेगी, टीवी देखेगी और क्या करेगी। और सुभान वो आया और अपने कमरे में घुस गया, भाई इतना नहीं किया कि आके खाना खा ले। मैं बुला कर लाऊं उसे? हाँ जाके आवाज दे उसे और कौ आके खाना खा ले, भाई मेरा काम खत्म हो। मैं बुला के लाती हूँ। देर हो गई मुझे आए। वो मैं बस ये बताने आई थी कि ताई भी नीचे बुला रही हैं, आकर खाना खा लो। वैसे ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि तुम्हें बताने में इतना टाइम लग जाए। मैं जानता हूँ काफी देर से खड़ी हुई हूँ। कोई नहीं, मैं बस अभी तो आई हूँ। वो तुम बिजी थे ना इसलिए। कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? कॉलेज तो ठीक जा रहा है, उसे कहाँ जाना है, वही खड़ा है। और तुम? मैं बहुत आगे निकल गई। अच्छा क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई बात ही समझ नहीं आती है। आ जाओ नीचे, ताई अम्मी बुला रही हैं। सुनो बात समझ में नहीं आती है या तुमने कभी समझाने की कोशिश नहीं की है? हर बात समझाई तो नहीं जाती है। इसका मतलब है कि मैं ही कुंजहन हूँ? मेरे मामले में कुछ ज्यादा ही कुंजहन। अब्बा जिंदा रहते क्या तब भी मेरी जिंदगी ऐसी होती? कुछ मुशक्कत पे यकीन, वो कितने प्यार से कहा करते थे कि अब्रार अली मैं नहीं कहता कि तू पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनी, भले अपनी जमीनें संभालना मगर इल्म जरूर हासिल करना। ए बिल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या मुसीबत है? हाय, तूने मुझे मुसीबत कहा है? हाँ कहा है फिर? बिल्लू तुझे जरा तमीज नहीं है? तुझे बड़ी तमीज है, सारा दिन तो तू तड़ाक करके बात करती है तू मेरे साथ। अच्छा ये बता तेरा बुखार उतरा कि नहीं? हाँ उतर गया बुखार मेरा। बिल्लू तुझे कॉलेज से कितनी छुट्टियां हैं? बुशरा मेरी बात सुन, मैं घर से आया था यहाँ पे कुछ लम्हे सुकून के गुजारने के लिए, ठीक है ना? तुझे घर में सुकून नहीं मिलता? कोई शौक नहीं है मुझे वहाँ बैठ के तेरी माँ की जली कटी बातें सुनने का। मेरी माँ तेरी भी कुछ लगती है बिल्लू। मैं नहीं लगता तेरी माँ का कुछ। हाय बिल्लू, अभी जाकर बता दूंगी अम्मा को। जा जा शौक से बता, जितनी बातें बतानी है बता। इतना सुनाती है मुझे वो, अगर मैं सुनाने पे आया ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। बिल्लू शर्म कर, शर्म। एक तो हमारा खाता है, ऊपर से हमें बातें लगा रहा है। और ये जमीन जो है ना ये अकेले चाचे की नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। जाके बता देना अपनी माँ को, वो भूल गई होगी लेकिन मैं नहीं भूला। बिल्लू, ओ बिल्लू, लगता है तेरा बुखार तेरे दिमाग पे चढ़ गया, इलाज करना पड़ेगा तेरे दिमाग का। ओ
अभी जाकर बताती हूँ अम्मा को। मरियम, ए मरियम, मरियम, ओ अरे कहाँ मर गई इतना? क्या बात है अम्मा, क्यों शोर मचा रही हो? पागल हूँ, बावली हूँ, इसलिए शोर मचा रही हूँ। और तू भी चौथी आवाज से पहले ना सुनियो, हट पर। अच्छा ये तो बताएं कि क्यों बुलाया है? जा जाके अपनी चाची के घर से दूध लेकर आए गिलास। नहीं प्लीज, अब मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा आप रोजाना भेज देती है कुछ ना कुछ लेने के लिए, क्या सोचती होंगी चाची भी? अरे कुछ नहीं सोचती, 2 किलो दूध आता है इसके घर में। लो तो 2 किलो दूध तो हमारे घर भी पड़ा होगा। घर में 10 जी हैं हमारे खाने वाले, 2-4 किलो से क्या फर्क पड़ता है? चल जा लेकर आ, और सुन, एक की बजाय 2 गिलास लेकर आना। हाय अम्मा, अगर उनका दूध कम हो गया तो पानी डाल दीजिए 1 गिलास, क्या हो जाएगा? माय गॉड, दूध वाले को पूछेगी हमारा क्या जाएगा। और सुन, अरिशा को साथ लेती आना वापसी पर। क्यों, मैं क्यों लेती आऊं? अभी तो खाना ठूस के गई है। जल जल के मर जाना जल जल के। अरे बेवकूफ, के दम कदम से तो रोशनी है, उसके दम कदम से तो रौनक है इस घर में, समझा कर जाहिल। चल जा। ले नाश्ता कर ले। अम्मा ये पुष्करा की बच्ची से बचा के रखा कर, देख सारा खत्म कर दिया उसने, चाचा तो कभी किराए के अलावा 1 रुपया देता ही नहीं है। क्या देख रही है ऐसे मुझे अब? तेरी जुबान कुछ ज्यादा कौड़ी नहीं होती जा रही वैसे। क्या करूं अम्मा, सफर भी तो मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा ये बता, बुशरा से क्या कहा था तुमने? अम्मा बस वो वैसे ही गुस्से में मुंह से निकल गया था। देख बेटा, जब तक तू अपने पैरों पर नहीं ना खड़ा हो जाता, अपने गुस्से पर काबू रखा कर, अभी चाचे की जरूरत है तुझे। अम्मा तुझे याद जब मैंने कॉलेज के पहले साल में दाखिला लिया था, सारे लड़के कैंटीन में बैठ के समोसे खा रहे होते थे और मैं ट्यूशन ढूंढने निकल जाता था क्योंकि चाचा ने कहा था वो मेरी फीस नहीं दे सकते। हाँ पुत्र, पर सारी बातें याद रखने वाली नहीं होती। वो अम्मा यही बातें तो याद रखने वाली होती हैं। उसी वक्त मैंने फैसला किया था कि मुझे बहुत आगे जाना है, वो भी अपने बलबूते पे। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को बहुत तरक्की दे, पर पुत्र अपने दिलो दिमाग को भी ठंडा रखा कर। बुशरा ने ना अपनी माँ को सारी शिकायत लगाई है, मुंह खुला के बैठी हुई है तेरी चाची और पास करके कान भर रही थी। देख मेरा बेटा, अगर कुछ कहे ना तो चुप कर जाए, तू तो मेरा स्याणा पुत्र है ना, है? अच्छा अच्छा सुन, वो मैंने ना पराठे के साथ अंडा भी रख दिया, काले से निकल कर खा लेना, फिर नौकरी पे जाना। ओ बिल्लू, ओ बिल्लू। चौधरी साहब जरा चंगी तरह खबर लेना इसकी। जी चाचा। ओए क्या कहता तू बुशरा को है? ओए उसे कहता है साथ तेरा जमीन में, ओए मुझे कह मुझे, और फिर बताता हूँ मैं तुझे। तो बता चाचा, क्या जमीन में हिस्सा नहीं है मेरा? हाय हाय, तोबा तोबा। मेरी तो चाचा मुझे गाली मत देना। ओए मुझे उंगली दिखाता है मुझे, ओए मैं तेरी उंगली तोड़ दूंगा, ओए उंगली दिखाता है मुझे। चौधरी साहब बच्चा है, रहने दो। ओए ये बच्चा नहीं है, आस्तीन का सांप है, हिस्सा मांगता है मुझसे, हैं? ओए एक दिन जमीन में जरा ट्रैक्टर चला के देख, नवाब का बच्चा मुफ्त की रोटियां तोड़ता पास कर, छोड़ना बच्चा है। और क्या बच्चा है? एक बिल्लू। मैं बिल्लू, मैं बिल्लू, मेरी बात सुन, मैं बिल्लू मेरी गाल सुन, बिल्लू मैं बिल्लू मेरी गाल सुन, बिल्लू मैं बिल्लू गाल सुन, बिल्लू। लगता है हमारे मोहल्ले में कोई नए किराएदार है। यहाँ देखती हूँ क्या हो रहा है। अरे यहाँ तो लग रहा है जैसे लाला की शादी हो रही है, कितनी अफरा तफरी है इनके घर में। अरिशा देखो, यहाँ सबकी शादियाँ हो रही हैं और एक हमारा घर है, किसी को कुछ ख्याल ही नहीं। मरियम, ये मोहब्बत कैसी होती है? हैं? आप बताओ ना कैसी होती है मोहब्बत।
हरीशा, अगर तुम मुझसे रसमलाई बनाने की तरकीब पूछती तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। मुझे कैसे पता कि मोहब्बत कैसी होती है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई आसार नहीं। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? वैसे ही अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, बस और कोई बात। मोहतरमा, हम भी कुछ बेखबर नहीं है। अब तुम पर का कौवा बनाने की कोशिश मत करना प्लीज। चलो, तुमने ये तो माना कि पर है। तुमने कभी बात की? वैसे ये क्या बना रही हो? स्केच। किसका है? बस है किसी का। मेरे भाई पर डोरे डालती हो, शर्म नहीं आती? वैसे हरीशा, मेरा भी दिल चाहता है कोई मुझसे भी प्यार करे, बिल्कुल ना फिल्मी हीरो जैसा, अपना सब कुछ मुझ पे कुर्बान कर दे। फिर चोरी चोरी बातें, मुलाकातें, और ना और आखिर में ना हम दोनों घर से भाग जाए। मोहब्बत के बारे में तुम्हारे ऐसे ख्याल आते, सॉरी बहुत चीप है। तुम्हें पसंद नहीं आए? जी नहीं। ना सही, तुम्हें तो घर बैठे मेरा भाई मिल गया ना। अच्छा दिखाओ तो सही कि है कैसा। क्यों दिखाऊं? हाँ, अब तो जिसका है उसे दिखाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। आज कॉलेज जाने की बजाय सीधा इधर ही आ गया तो ना असगर से हुई कोई बात? मामू चाचा से क्या बात होनी, उसके मुंह में तो हमेशा से चाची की जबान रही है। चाची की आंखों से देखता है और चाची के कानों से सुनता है। ओ भाई, वो तो सदा का जान मरीद है, कुबरा ने आते ही उसको लहन पे लगा लिया था। माँ तो उनकी गुलामी कर करके अपनी जिंदगी गुजार रही है। अगर मुझे स्कॉलरशिप ना मिलता या मैं पार्ट टाइम जॉब ना करता तो अपना खर्चा कहाँ से पूरा करता? क्यों भाई, वो कोई अकेला जदाद का मालिक तो नहीं है? ठीक है भाई, आज वो कमा रहा है तो कल को तू कमाएगा तो कहाँ लेके जाना है? उसी घर में लेके जाएगा ना। ओ, इसी बात का तो चाचा को यकीन नहीं है। वो समझता है कि अगर मैंने कमाना शुरू कर दिया ना तो मैं माँ को लेके शहर आ जाऊँ। मामू, चाचा को तो मेरा यहाँ आना भी अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, क्यों अच्छा नहीं लगता? ओए जमीला, मेरे सक्के चाचे की बेटी है, पता नहीं बेचारी ने बेवगी में कैसे जिंदगी गुजारी है। आपको क्या पता मामू, आप तो गालिबन अब्बा के मरने पे आखिरी बार गांव गए हो। आपकी सगी बहन नहीं तो चचा साथ बहन तो थी ना मामू, कभी आके उनके सर पे हाथ ही रखा होता ताकि लोगों को भी पता होता कि उसके भी कोई वाली वारिस हैं, वो अकेली नहीं है, तो उनकी इतनी हिम्मत ना पड़ती। ओए बस सबरार बेटा, जिंदगी के बखेड़े में ऐसा हो जाऊं कि दुनिया के बखेड़े तो हर किसी के साथ होते हैं मामू, पर रिश्ते निभाना किसी किसी को आता है। खैर आपसे क्या गिला करना जब सगा चाचा ही अपना नहीं बना। और एक वो आपकी बहन जो हर दफा मुझे ये ताकीद करती है कि मेरे भाई के घर जरूर जाना। चलता हूँ मामू। ओ बेटा, नाश्ता तो करता जा। रहने दे मामू, मामी को बुरा लगेगा। अल्लाह बात हुई है तो कह रही हूँ ना जेबू कि जगह है तुम्हारी। कितने अच्छे लग रहे हैं, प्यारी बात लग रही मेरी बेटी। जितनी बात हुई ना मेरी रोहित से। मरियम रिमोट दो आप, बस हो गया तुम्हारा ड्रामा खत्म। और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ हुआ है? दे देना। बहुत अच्छे इंसान है। क्यों इतना कुछ करने? क्यों क्या, मुझे ड्रामा देखना है इसलिए? इतनी की आपसे। तुम लोगों का टीवी खराब हो गया, जाकर अपने घर में देखो। क्यों करेंगे? ताई अम्मी देखे मुझे घर से निकाल रही है ये। शर्म नहीं आती तुझे? कॉम्प्रोमाइज हो गया। जितना तुम लोगों का घर है ना उतना ही अरिशा का है। चल दे रिमोट। हाँ हाँ, सब कुछ इसी का तो है, हमारा कहाँ है? चुपकी मोटी दीवार खड़ी रहेगी। ये लो पकड़ो।
मैं चाहता हूँ कि सितारा अपनी जिंदगी खुशी से और अपनी मर्जी से गुजारे। झूठ है ये सब। अरे सर आदला, अरे तुम जाग रही हो, तब मैं सब्जी सो गई होगी। भाभी बहुत देर हो गई थी, मैं उसे बचपन से अच्छी तरह, मैं रिशा को देखने के लिए आई थी। अम्मी बस ये फिल्म खत्म हो जाएगी, मैं आ जाऊंगी। बेटा सुबह कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अरे कौन सी सड़क पे बैठी है, अभी ताई की गोद में बैठ के फिल्म देख रही है, क्या हो गया तुझे, जा। भाभी छुट्टी वाले दिन देख लेगी। हर्षी चलो बेटा, बहुत रात हो गई है, चलो घर चलो। अम्मी बस आ रही हूँ ना, 5 मिनट। अरे यही बात मुझे तेरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, घर में भी उस्तानी बनी रहती है तू, बच्ची का दिल दहला के रखा हुआ है, जान निकली रहती है उसकी हर वक्त। अरे क्या फर्क पड़ता है, तो घड़ी बहनों के साथ आके हंस बोल लेती है तू, तेरा बस चले तो दिन में क्या, रात में भी कॉलेज खोल के बैठ जाए। अच्छा जल्दी आ जाना, दरवाजा खुला रहेगा। अम्मी अच्छी है। हरीशा बुरी बात है, तुम चची की बिल्कुल बात नहीं मानती। चुप कर चची की चमची। दरवाजा बंद कर दिया बेटा? जी अम्मी कर दिया। तुम्हारा कल कोई टेस्ट था क्या? तैयारी कर ली मैंने। तुम आजकल अपनी स्टडीज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो, क्या हो गया तुम्हें? ताई अम्मी बिल्कुल सच कहती हैं, आपका बस चले ना तो हर वक्त मुझे किताबों में घुसाए रखे। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कह रही हूँ। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है बेटा, पता ही नहीं चलता इंसान कब कच्चे बर्तन की तरह टूट कर बिखर जाए। मैं ये चाहती हूँ बेटा कि जिंदगी में अगर कभी कोई बुरा वक्त आए ना तो तुम किसी और की तरफ ना देखो बल्कि खुदा के बाद अपना सहारा खुद बनो। नहीं, आप छोटी सी नसीहत नहीं कर सकती मुझे, ये नसीहत है ना मेरे सर से गुजर जाती है। एक दिन माँ की बातों को याद करोगी तुम। अच्छा भाई सो जाएं अब आप, कितना काम रह गया आपका? बस थोड़ा सा बाकी है बेटा। एक तो आप पूरा स्कूल घर उठा कर ले आती हैं। पेपर्स के दिनों में मसरूफियत बढ़ जाती है बस इसी वजह से। अच्छा मुझे बहुत थकन हो रही है, प्लीज एक कप चाय बना दोगी? अम्मी दूध नहीं है चाय बनाने के लिए। क्या, अरे सुबह ही तो मंगाया था। वो तो मरियम ले गई थी ना। सारा? सारा क्या मतलब है, जरा सा तो दूध था। तौबा है। खैर मैं कपड़े बदल रही हूँ, आप ही काम खत्म कर लें। लगता है फ्रिज को भी ताला लगा के रखना पड़ेगा, मरियम ले गई। की गल है आज बड़ी चुप चुप है। बस एक बात सोच रही थी चौधरी साहब। ये औखा काम है, ये ना किया कर तू। बस आज बैठे बैठे हमें दिल में ख्याल सा आ गया। ख्याल आ गया? ओहो अच्छा भाई देख, कपड़ा लता चाहिए तो फसल उठाऊंगा तो ले लेना। नहीं चौधरी साहब, उस रब ने हमें कितना रिज़्क दिया है, अगर वो रब एक पत्थर भी दे देता तो उसका क्या चाहता। एक को एक ती है हमारी, शादी हो जाएगी वो भी अपने घर चली जाएगी। और जो रब की मर्जी। देखो ना चौधरी साहब, जमीला के पास क्या है, फिर भी वो कितनी अमीर लगती है, पुत्रों का बड़ा मान होता है ना। तो ये बात तू मुझे बता रही है? चौधरी साहब आप ना बिल्लू से ज्यादा औखे ना हुआ करें, जवान कौन है, हाथ से निकल जाएगा। तो पहले कौन सा हाथ में है वो? तो उसको हाथ में कर लो ना, तीन ही आनी हमने। की मतलब है? मतबल ये हमारी बुशरा को बिल्लू से चंगा रिश्ता नहीं मिलना। पागल तो नहीं हो गई, कल कह रही थी कि वो आवारा है और आज ती देने की बात कर रही है। ओहो मास्टर इलियास मिला था, वो बता रहा था कि बिल्लू पढ़ने लिखने में बड़ा चंगा है, देखो ना कल को चंगी नौकरी मिल गई उसको तो फायदा किसका होगा, हमारा ना।
भाई उसकी आकड़ देखी है? उसकी आकड़ देख के तो ये सोचा है मैंने चौधरी साहब, जमीला के पास इक्को एक जीने का सहारा है, हमारे पास क्या है? अगर हमारी बुशरा की उससे शादी हो जाती है ना, उसकी आकड़ तो हम आप भी तोड़ लेंगे। अगर कल को वो किसी काबिल हो जाता है ना, अद्धा जमीन का हिस्सा मांग लेगा, सोचो हमारे पास क्या रह जाएगा? ऐश करेगी जमीला बीबी। बात तो तू ठीक कर रही है, जमीन भी हमारे पास रहेगी और ती भी घर की घर, न ननाणों का रौला न सास की खप, रहेगी बात जमीला की, घर के काम काज करती रहेगी, मर खप जाएगी सारी जमीन हमारी। और चल ठीक है, कर लेते हैं जमीला से बात, कर देते हैं दोनों की बात पक्की, उसकी क्या मजाल है कि मुझे इनकार करे। क्या ये? कैसी लगी? वेल, मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब भी कर लेती हो, लेकिन मेरी नाक इतनी पतली नहीं है और आंखें भी इतनी छोटी नहीं है। अरे क्या कर रही हो? इसका मतलब है कि मोहतरमा को गुस्सा भी आता है। तुम्हें पसंद नहीं आया तो ना सही, लेकिन तुमने इतनी मेहनत से बनाया था, क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत का जो तुम्हें मुतासिर भी नहीं कर सके? तो ये सब कुछ मुझे मुतासिर करने के लिए हो रहा था? तुम्हारा जो दिल कहे वो समझ लो, और अगर मैंने गलत समझ लिया फिर? तुम कभी गलत नहीं समझ सकते। पता तुमने जाया कर दिया, बहुत अच्छा था ये। छोड़ो ना इसको, भूल जाओ। तुमने खाना खाया? क्या चीज हो तुम? मैं ऐसी ही हूँ। चलो फिर आ जाओ, खाना खाते। हर्षी नमाज पढ़ ली? कब की? चलो बेटा बस सब सोने की तैयारी करो, बस बहुत नींद आ रही है मुझे तो। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी, यहाँ बैठे। क्या बात करनी थी? आप एक बात बताएं कि नाना अब्बू ने आपकी शादी इस खानदान में क्यों की? क्यों? अच्छे हैं सब, लेकिन कितना फर्क है सब में, उनकी सोच में, बातचीत में, रहन सहन में। यहाँ सब पढ़े लिखे, और अगर आप ताई अम्मी की तरफ आ जाएं तो यहाँ सारे दुकानदार सुभान के सिवा किसी को अपने कैरियर की परवाह नहीं है, और नुमान भाई को देख लें, उनको दुकानों के सिवा और किसी चीज की परवाह नहीं है। अब आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, हाँ, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। अच्छा ना, बताए ना मुझे। हम लोग सफेद पोश लोग थे, छह बहनें थी, और मेरे अब सफेद पोश थे। दौलत तो थी नहीं हमारे घर में, लेकिन अब शराफत की दौलत कूट कूट के भरी थी। बस तुम्हारे नाना अब्बू ने शराफत देखी और मेरी शादी तुम्हारे अब्बू से कर दी। मैंने टीचिंग शुरू कर दी और तुम्हारे अब्बू ने स्टोर स्टार्ट किया, और स्टोर भी बहुत अच्छे से चलने लगा। तो आप मेरी शादी करते वक्त यही सब चीजें देखेंगी? जाहिर है बेटा, यही सब कुछ देखूंगी। शराफत ही सब कुछ होती है, इंसान का वाकिदार होना बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, अब ये लड़कियों को ना अपनी शादी की बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हुआ, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, ठीक है, सुबह कॉलेज भी जाना है। कॉलेज मैं नहीं जा रही, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती। अरे अरे क्यों नहीं जा रही? अरे भाई जब क्लासेस बंक करोगी ना तो क्या पता चलेगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया और क्या नहीं। मरियम भी नहीं जा रही। बेटा मुझे बहुत खुशी होगी,
कि तुम अपने आप पे भरोसा कर लो बजाय इसके कि दूसरों पे भरोसा करो। मैं पढ़ रही। बस बंद करो इसे, चलो बहुत रात हो गई है, अब सोने की तैयारी करो। चलो शाबाश। ये देखो ये कैसी रहेगी। परफेक्ट मामा, आपकी पसंद तो लाजवाब है अहमद से। अच्छा मक्खन लगाना छोड़ो, मैं बहुत थक गई हूँ इन कामों से। जल्दी से एक अच्छी सी बहू ला दो जो आके मेरे बेटे को और इस घर को संभाले। कब से कह रही हूँ तुमसे। चलें इस मसले पे भी सोच लेते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा मसला है जिसपे तुम सोचते रहोगे। अच्छा ये बताओ ऑफिस में तो कोई लड़की नहीं पसंद। तौबा करें मामा, क्या मैं ऑफिस लड़कियां ढूंढने जाता हूँ। अच्छा बाबा तो फिर मुझे ही अपनी पसंद बता दो, मैं ढूंढ लूँ तुम्हारे लिए कोई लड़की। मामा मुझे तो सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए जो ये घर संभाल सके, और ऐसी लड़कियां आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। क्या मतलब। मतलब ये कि हम इस मौजू पे बाद में बात करेंगे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई। अल्लाह हाफिज। हमेशा की तरह टाल गए ना, खुदा हाफिज। अरे ब्रार मेरा सका भतीजा है, मेरे सके ब्रा की औलाद है। अगर मैं उसे डांट डपट करता भी हूँ तो उसके भले के लिए करता हूँ ताकि वो बिगड़े नहीं। वो चाचा हूँ मैं उसका, और चाचा प्यो की जगह होता है, और इसलिए मैंने सोचा है कि अपने यतीम भतीजे को सारी जिंदगी के लिए अपना पुत्र बना लूं। तो देखना कल को तुझे पत्नी किस किस्म की नूह मिले, घर का बंटवारा हो जायदाद का बंटवारा हो। अच्छा ना घर की बात घर में ही रह जाए। और की? और दादा तुम तड़का नहीं करना, हमने बस सादगी से जुमे वाले दिन इब्रार और बुशरा का निकाह करा देते। निकाह? देखिए ना चौधरी साहब, मैंने कहा था ना आपको जमीला सुन के बड़ी खुश होगी। गल ही ऐसी है, और यतीम भतीजे को चाचे ने कलेजे से नहीं लगाना तो और किसने लगाना। पाजी खले खिलोते इतनी छेती निकाह। ओए आहो देखना, ओए नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वो चौधरी यासीन भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है बुशरा को नूह बनाने के लिए, और पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि भाई पहला हक मेरी भरजाई का है। क्यों जमीला तुझे कोई एतराज है, मेरी जमीन जदादों वाली ती है, उसके रिश्ते पे ते हजारों लोगों की नजर है। पर मैं बिल्लू से तो बात कर रही हूँ। ले भाई आ गया इब्रार पुत्र भी आ गया। ओए आ जा पुत्र, आ चाचे के पास बैठ। नहीं चाचा मैं इधर ही ठीक हूँ। मुझे पता है तू नाराज है मुझसे, बहुत गिले है तुझे, पर जो कुछ मैं करता रहा हूँ ना तेरे भले के लिए करता रहा हूँ, और अब भी जो कुछ करूंगा तेरे फायदे के लिए करूंगा। दुश्मन नहीं हूँ मैं तेरा, चाचा हूँ। अच्छा चाचा ये सारी बातें मुझे याद करा रहे हो या खुद को। चलिया ओ चल छट पुरानी बातों को, ओए आज खुशी का मौका है। कौन सा मौका। अब जुमे वाला दिन तेरा और बुशरा का निकाह है, और तेरी माँ से सारी बात कर ली है, इसे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे इतराज है चाचा। क्या? तुझे इतराज है? कैसा इतराज है? मुझे बुशरा से शादी नहीं करनी। क्या कहा तुमने, बुशरा से शादी नहीं करनी? हाँ चाचा यही कहा है मैंने। बड़ा एहसान फरामोश है तू। कौन से एहसान की बात करते हो चाचा। बकवास बंद कर ले। वो चाचा बकवास नहीं कर, जरा आज मुझे अपने एहसानों की तफसील तो बताओ ना। बिल्लू ओए ओए देख लेते, और चार जमाते क्या पड़ गए, मुंह लग रहा है मेरा नमक हराम। चल चाचा आज इस नमक का हिसाब भी हो ही जाए। मेरी माँ इस घर में नौकरानियों की तरह काम करती है, दूध बेच बेच के अपना और मेरा गुजारा करती है। मेरी फीस जानी हो ना तो पूरे गाँव से उधार मांग के फिर रही होती है। बस अच्छा तूने मेरे लिए किया ही क्या, हर चीज पे मेरा हक था, मैं अपना हक ही ना तुझसे मांगू। तूने भाई का बेटा समझ के क्या कभी यतीम समझ के भी मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। ओए मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा।
नहीं नहीं पाजी, ये तो ऐसे कह रहा है, इसने शादी से इनकार नहीं किया, बस अभी शादी भी करना चाहता। और माँ इन्हें आस ना दिला, कल या आज मैंने बुशरा से शादी नहीं करनी। जा जा, वो नहीं। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।